इमली के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि इमली उसी जगह पे आ जाती है जहाँ पे आदित्य को गोली लगा था, और वो देखती है कि यहाँ पे बहुत सारा खून है। तभी वो रोने लगती है, तभी वो याद करती है कि कैसे गोली लगा होगा और कैसे वो गिरा होगा। तभी वो यहाँ से जाहिर भी होती है, तभी उसे दिखता है आदित्य का चप्पल। तो वो कहती है कि जरूर इसी के आसपास ही होंगे। तभी वो पानी की तरफ कूद जाती है और कूदती है, चारों तरफ पानी में देखती पर नहीं मिलता है। और फिर तभी वो पानी से निकलती है तो देखती है कि वहीं पर एक और चप्पल है। इसे समझ में आ जाता है कि आदित्य इसी के आसपास होंगे। तभी वो जा रही होती है, तभी उसे नजर आ जाता है कि आदित्य यहीं पे है। और वो आदित्य के पास आती है तो आदित्य को किस फिस करती है। तभी यहाँ से सांप उसे काटते हुए गुजर जाता है, तो ये बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जैसे तैसे इसे उठाकर लेकर आती है ऊपर की तरफ, और वो साइकिल पर बैठकर आदित्य को घर पे लेकर आ जाती है। और इधर आदित्य की माँ खीर बना रही होती है और कहती है कि खीर तो बन गया पर अभी तक ये नहीं आई है। तो सब लोग कहते हैं कि तुम देखना ना, तुम बैठो, वो आ ही जाएगा। और तभी यहाँ पे इमली इसे लेकर आ ही जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। फिर सब लोग इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और यहाँ पे इन दोनों की ही इलाज होती है। इमली भी बेहोश हो गई होती है। तभी यहाँ पे यही सब कुछ दिन तक चलता है और 4 दिन तो ऐसे ही बीत जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो इमली है उसके पास उसकी नानी और मम्मी होती है, और आदित्य के पास उसकी पूरी फैमिली होती है। और यहाँ पे मानी हल्दी वाला दूध बना रही होती है, और तभी यहाँ पे इसकी नानी आ जाती है और कहती है कि यहाँ से हटो, मुझे भी कुछ बनाना है। पर मानी कहती है कि मैं बना रही हूँ ना, तब भी बाद में बना लेना। पर यहाँ पे वो नहीं हटती है और इन दोनों के बीच में छोटी मोटी बहस हो जाती है। तभी यहाँ पे आ जाती है इमली की मम्मी और वो भी मानी को टोन मारती है। तभी यहाँ पे सुंदर आ जाता है और वो बताता है कि आदित्य भाई को होश आ गया है। तो ये सुनने के बाद मालिनी बहुत खुश हो जाती है और वो नानी से कहती है कि आप तो सर हार गई। तो यहाँ पे वो चारा बना लेती है। और इसके बाद जो इमली की मम्मी होती है उससे भी इसकी ये कुछ बात सुनकर अच्छा नहीं लगता है। तो बस आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना।